हाय गाइस, आज हम फिर से लेकर आए हैं अपनी रेसिपी। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो बहुत ही कम सामान में और जल्दी बनेगा। आज के टाइम में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो गाजर को घिसे फिर हलवा बनाए। इस वजह से गाजर का हलवा बनना घर में रह ही जाता है। तो आज हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और इसको पहले उबाल देंगे, जो 4-5 सीटी दे करके हम इसे उबालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, एक कटोरी से आधा कटोरी डाल देंगे। ढक्कन लगा करके इसको हम गैस पर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे एक कढ़ाई चढ़ा करके इसमें दूध डाल देंगे। चलो, अब ये दूध गाढ़ा हो गया है उबलते उबलते, और उधर गाजर भी 4 सीटी हम तेज आंच पर लगाए और उसके बाद 3 सीटी धीमी आंच पर। अब वो पक चुका है, उसको बंद कर दिए हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम आपको आगे का बताते हैं। इस दूध में हम 3 कलछुल चीनी, 5-6 इलायची के दाने और 1 चम्मच घी मिला दिए हैं। अब ये दूध गाढ़ा हो गया है उबलते उबलते, और उधर गाजर भी 4 सीटी हम तेज आंच पर लगाए और उसके बाद 3 सीटी धीमी आंच पर। अब वो पक चुका है, उसको बंद कर दिए हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम आपको आगे का ऊपर ठंडा हो गया है, इसको हम ऐसे दबा देंगे पूरा। अब ये देखिए, गाजर बिल्कुल मैश हो गया है। अब इसे दूध में मिला देंगे। अब गाजर इसमें मिक्स हो गया है। अब ऐसे ही इसको पकता रहेगा और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है और ये भुनता रहेगा। इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये हलवा बन करके बिल्कुल तैयार है। खाने के लिए अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।